आप में से काफी सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि भैया हमको स्कैल्पर बनना है, स्कैल्पिंग करनी है, लेकिन वो कौन सी छह चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको एक स्टार स्कैल्पर बनना है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए जलेबी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जब आपको एक स्कैल्पर बनना है तो वो होता है कि आप सही एसेट क्लास को चूज करें। अगर आप कहते हैं कि यार मैं ना सारे एफएनओ के जो स्टॉक्स होते हैं उन पे मैं स्कैल्पिंग करूंगा, तो उसमें कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। कैसे? थोड़ा सा एसटीडी का चार्जेस बढ़ जाता है, थोड़ा गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, ऊपर से अगर आपके ब्रोकिंग हाउस आपसे ढेर सारा ब्रोकरेज मांगने लग जाए तो इन आउट करते करते तो भैया आपकी नैया डूब जाएगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आप सही एसेट क्लास चूज करें, साथ में लिक्विडिटी। देखिए मैं जिस स्केल पे आज के समय पे ट्रेड करता हूँ, काफी सारे लोगों ने मेरे को लाइव ट्रेड करते हुए भी देखा है, तो उनको ये चीज पता है कि यार बॉस अगर मेरे को लिक्विडिटी चाहिए तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टॉक्स पे नहीं मिलती है। स्टॉक्स में अगर मैं एफएनओ की बात करूं तो अगर मैं स्कैल्पिंग करने जाऊं अदर देन द टॉप 10 कोर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स में, बाकी अगर मैं जाऊंगा तो मैं 70-80 लॉट से ज्यादा बाय करके इमीडिएटली एग्जिट कर ही नहीं सकता हूं। हालांकि जो टॉप लाइन के स्टॉक्स होते हैं उसमें मैं कर सकता हूं, लेकिन बाकियों में नहीं कर सकता। और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर हमारे देश में इंडिया में आपको स्कैल्पर बनना है तो सबसे प्रेफर्ड चॉइस होता है इंडेक्स हो सकता है, बैंक निफ्टी, एनएफटी, फिन निफ्टी भी मैं मना करूंगा बिकॉज़ उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा है कि भाई अगर आप 300 के प्राइस पे कहीं पर एंटर हो रहे हो तो आपको 310, 320, 330 पे भी एग्जिट मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज हो गई राइट एसेट क्लास। दूसरा राइट रिस्क मैनेजमेंट। देखिए स्कैल्पर का माइंड क्या होता है, स्कैल्पर का माइंड होता है चट से घुसे चट से निकल गए, बहुत जल्दी से आप एंटर करते हो और बहुत ही तेजी से आप एग्जिट कर लेते हो। तो जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आप स्कैल्पिंग में 20 पॉइंट्स के लिए आप 5.5 पॉइंट्स सोचते हो कि मैं एक रिस्क लूंगा 20 पॉइंट्स के लिए, आप लेते तो हो, लेकिन जिस दिन अचानक से एक बड़ा कैंडल आपके अगेंस्ट होता है कि वो 20-30 पॉइंट्स नीचे जाता है, आप उसको होल्ड करके बैठ जाते हो और वो अचानक से आपके स्कैल्पिंग का हो जाता है इंट्राडे ट्रेड। आप पहले तो सोचते हो कि मैं 9:30 पे घुस के 9:40 तक निकल जाऊंगा, लेकिन आपको पता नहीं लगता कब आप 9:30 से लेके 1:30 तक अटक जाते हो उस पे। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में रिस्क मैनेजमेंट लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट एक राइट ब्रोकर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है, ब्रोकरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड पिवोटल रोल प्ले करता है और इसीलिए आपको एक अच्छा ब्रोकर स्पेसिफिकली जो स्कैल्पिंग के लिए बना हो, जो आपके ब्रोकरेज कॉस्ट को कम कर सके। और ऐसा एक सोल्यूशन है एम स्टॉक। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 1.4 लाख से भी ज्यादा यूजर्स इसको ट्रस्ट करते हैं, 6 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे ट्रेड्स हो चुके हैं, 73% एक्टिव क्लाइंट्स है और 155 करोड़ के MTF का बुक है। सबसे बढ़िया चीज है जीरो ब्रोकरेज। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जीरो ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है कि आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इनके इस प्रकार से प्लान्स है। अगर मैं आपको इनके प्लान्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इनके पास बहुत ही तगड़े प्लान है, जैसे 999 का प्लान है जिसमें जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ होगा। वहां पर आपको अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, हर जगह यहां पर जीरो होगा। या फिर आप 149 रुपीज का भी ले सकते हैं जहां पर जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ होगा, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स या फिर आईपीओ होगा। तो यहां पर आपका जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू आपके बाकी जितने सारी चीजें रहती हैं। इसके साथ साथ इनके पास ना एक बहुत ही तगड़ी एमटीएफ की फैसिलिटी है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया ये एमटीएफ एक बहुत ही गजब की चीज है बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में 7.99% सबसे लोएस्ट पे ये आपको एमटीएफ की फैसिलिटी देता है। नो लिमिट और लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज ऑन एमटीएफ ट्रेड्स, किस चीज का वेट कर रहे हो? इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके चेकआउट जरूर करना। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि आपको राइट माइंडसेट होना चाहिए। देखिए राइट एसेट हो गया, राइट रिस्क मैनेजमेंट हो गया, राइट ब्रोकर हो गया, लेकिन राइट माइंडसेट है। माइंडसेट क्या होता है? देखिए एक स्कैल्पर का माइंडसेट एक सिंपल सी चीज ये बोलता है कि अगर मैं दिन में 20 ट्रेड लूंगा तो 20 में से मोस्ट लाइकली मेरे 10 गलत जाएंगे, लेकिन बाकी 10 जो सही जाएंगे उसमें मैं तगड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा। अक्सर मैंने काफी सारे लोगों को देखा है वो स्कैल्पिंग की दुनिया में आते तो हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम जितना ज्यादा हो सके हम ट्रेड्स ले सके ताकि हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सके। अनफॉर्चुनेटली वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बरखुदार कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं एग्जैक्ट सपोर्ट या एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही उस इंडेक्स को पकड़ूं, फटाफट वहां पर एंट्री देखूं, फटाफट वॉल्यूम देखूं और उसी हिसाब से मैं इधर एग्जिट करूं। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टाइमिंग
बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टाइमिंग का मतलब क्या हो गया कि बहुत बार मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ जो 9:15 और 4 सेकंड पे एग्जीक्यूट होते हैं और 9:16 और 4 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। आप बोलोगे अरे भैया ये कैसे? आपको जैसे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। स्कैल्पर को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी 10:30 बजे के पहले मिलती है। कितने लोगों ने नोट किया कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो मैक्सिमम मूव होता है या मोमेंटम आता है आजकल काफी सारे दिनों में, चाहे वो इंडेक्स पे हो या किसी और चीज पे हो, वो यूजुअली फर्स्ट हाफ पे होता है और उसके बाद सीधे 2 बजे के बाद आता है, जो हम 3 PM का कैंडल कहते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप स्पेसिफिकली स्कैल्प देखो, क्योंकि आप होल्ड करके बैठोगे तो ऑप्शन अगर आपने बाय किया तो उसका प्रीमियम गलने लग जाएगा, टाइम थीटा जो थीटा डीके बोलते टाइम वैल्यू वो होने लग जाएगा, प्लस स्कैल्प डजंट रिमेन स्कैल्प इफ यू आर होल्डिंग इट फॉर द एंटायर डे। तो राइट टाइमिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फाइनली राइट इंडिकेटर्स अगर आप थोड़े बहुत यूज कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं स्कैल्पिंग के लिए सबसे टॉप 2 इंडिकेटर्स कौन से होते, तो वो वेव ऐप होता है और सुपर ट्रेंड होता है। इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन इज गॉड इन दिस थिंग। आपको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे चार्ट्स को, जितना ज्यादा आप देखेंगे कि हाँ भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बन रहे हैं, उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट एसेट, राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट ब्रोकर, जिसके लिए एम स्टॉक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जैसे कि आप स्क्रीन पे पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं जहां पर 20 रुपी पर लॉट बाकी सारे मैक्सिमम ब्रोकर चार्ज करते हैं, यहां पर 0 होने से आपको कितना फायदा होगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह के आपका राइट ब्रोकर हो गया, राइट माइंडसेट हो गया, राइट टाइमिंग हो गया, राइट इंडिकेटर्स हो गया। आशा करता हूं आज आपको क्विकली समझ में आओगे वो 6 कौन सी चीजें जो एज अ स्कैल्पर आपको ध्यान में रखनी है। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।